अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस एक चैनल और मैं हूं अहसन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या एनीबॉडी कमिंग फ्रॉम द अब्रॉड और गोइंग टू अब्रॉड, यानी कि कोई बाहर जा रहा है, बाहर के मुल्क जा रहा है या बाहर के मुल्क से आ रहा है, इवन अगर कंट्री के अंदर ही वो ट्रैवल कर रहा है बाय प्लेन, एरोप्लेन से वो ट्रैवल कर रहा है, तो बाय एयर ट्रैवल कर रहा है, तो आप उसको मॉनिटर किस तरह से कर सकते हैं, उसको ट्रैक, उसकी फ्लाइट को किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं कि वो बंदा कहाँ पे पहुंच गया है, कहाँ से आ रहा है, किस फ्लाइट में आ रहा है, कितने टाइम में पहुंच जाएगा, तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल फ्लाइट की, वो फ्लाइट जो है वो उस टाइम किस रूट से आ रही है और कहाँ पे पहुंच चुकी है, उसकी कंप्लीट डिटेल आप अपने मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं विद इन वन ऐप। तो एक क्लिक के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज मैं उसका तरीका अगर आपको बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से इस चीज़ को चला सकते हैं। तो चलिए जरा वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए जरा वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन गूगल प्ले स्टोर, द फ्लाइट ट्रैकर एप्लीकेशन डाउनलोड। उसके बाद आपने दोस्तों एयरपोर्ट सेलेक्ट करना है, जो डेस्टिनेशन है वो अबू धाबी में जाना है मेरे दोस्त ने, जिसकी मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैंने रूट सेलेक्ट कर लिया, अबू धाबी AUH एयरपोर्ट है, फ्रॉम लाहौर टू अबू धाबी। तो ऊपर जो है वो डिपार्चर का एयरपोर्ट है, यानी कि जहाँ से ये फ्लाइट ने टेक ऑफ करना है, और नीचे जो है वो डेस्टिनेशन है जहाँ पे उसने जाना है। तो आगे इसके मैं फ़्लाइट नंबर लिख देता हूँ, तो वो टिकट के ऊपर मेंशन होती है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके अलावा दोस्तों ये फ़्लाइट नंबर देने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे आपने क्या करना है। आप डेज़ के डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि उस डेट में कौन कौन सी फ़्लाइट्स जा रही हैं, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट फ़्लाइट नंबर याद है तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं, आप अपना फ़्लाइट नंबर दें तो इजी हो जाएगा। तो ये देखें LH लाहौर टू AUH, ये 12:10 बजे स्टार्ट होनी है और 3 बजे एग्जैक्ट वहाँ पे लैंडिंग होगी जहाज़ की, लेकिन अगर यहाँ से डिले होता है जहाज़ तो वहाँ पे भी डिले हो जाएगा। तो ये अब चल चुका है जहाज़, तो ये मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता रहता हूँ स्टेप बाय स्टेप के कहाँ पे पहुँच गया, कितने घंटे रह गए हैं। मज़े की बात यह है कि मैप के ऊपर आप देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान से दुबई की तरफ जाता है तो वो ज़्यादा टाइम पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तान की हदूद में, पाकिस्तान की बाउंड्री में ज़्यादा ट्रैवलिंग है। उसके बाद आगे एक समंदर आता है, समंदर के बाद जो है वो दुबई का स्टार्ट हो जाता है एरिया। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो यार मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और हाँ, जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो कम अज़ कम
30 से 35 मिनट की थी, जिसका मैंने बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करके 5 से 5.5 मिनट के दरमियान की वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी फास्टर लगे तो आई एम सॉरी। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा।